नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पटना में आज 18 साल से अधिक उम्र वालों की वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी। हालांकि 45 साल से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन जारी रहेगा। आज रात तक पटना में वैक्सीन पहुंचेगी, उसके बाद ही कल यानी कि रविवार से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पटना को 14,000 डोज मिले थे जो कि खत्म हो गए। इसी वजह से 18 साल से अधिक उम्र वालों की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया थी वो रोक दी गई है। पटना में जितनी वैक्सीन की डिमांड थी उतना नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पटना को 14,000 डोज मिले थे जो कि खत्म हो गए। इसी वजह से 18 साल से अधिक उम्र वालों की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया थी वो रोक दी गई है। जितनी मांग की गई थी उसकी तुलना में पटना को वैक्सीन कम मिले थे। अगर शनिवार रात तक भी वैक्सीन पटना नहीं पहुंचती है तो हो सकता है रविवार को जो वैक्सीनेशन करने की प्रक्रिया है वो भी ना हो सके। शनिवार की रात तक भी अगर टीका पटना नहीं पहुंचती है तो वैक्सीन की जो प्रक्रिया है रविवार को होनी है, शायद वो भी नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में जो है वो 2 आधार पर टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है। पहला है 45 से अधिक उम्र वालों के लिए और दूसरा है 18 से 44 के बीच के लोगों के लिए। तो ये जो 18 से 44 के बीच के लोग की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसके अधिकतर काउंटर जो है वो बंद पड़े हैं। कारण तो हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। हमारे देश में कुल 125 करोड़ की आबादी, जिसमें कि 18 से अधिक लोगों की जो आबादी है वो 100 करोड़ की है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक आदमी को 2 टीके की डोज लगते हैं। उस हिसाब से पूरे देश में 200 करोड़ टीके की खपत है। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि हमारा देश जो है वो 200 करोड़ वैक्सीन का प्रबंध किया था या फिर सरकार इसमें नाकामयाब हो पाई।